15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे, जहां पर उन्होंने आदिवासियों को यहां संबोधित किया। बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी आज सोमवार को भोपाल दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख आदिवासी पूरे प्रदेश भर से शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधे जमुई मैदान पहुंचे पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, देश अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। मोदी के जाते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस का दावा है कि 2 लाख आदिवासियों को इकट्ठा करने वाली बीजेपी का फ्लॉप शो जारी है। मोदी का भाषण शुरू होने से पहले ही जनता ने सीटें छोड़ दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट के साथ बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि भोपाल के जम्बूरी मैदान पर मोदी का भाषण शुरू होते ही महिलाओं और युवाओं के जत्थे ने छोड़ा स्थल, कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, लोग नहीं जुटे, भीड़ का दावा फ्लॉप। दूसरे ट्वीट के भोपाल में जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन से मोदी जी का भाषण शुरू होते ही उठकर जा रहे लोगों को थोड़ी देर रुकने का आग्रह करते पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री के संबोधन में राज्यपाल जी को खूब सम्मान किया, जबकि शिवराज जी का सिर्फ नाम लेकर आगे बढ़े, बीडी शर्मा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया।